गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं सारे काम करके देखे अभी फुर्सत हुई हूँ, और जैसा कि मेरा दोपहर का ये रूटीन है, ये अफ्रेश, तो बस अभी देखे ये अफ्रेश में बनाई हूँ। और आज मुझे लेट हो गया, 2 बज गया, क्योंकि आज मैंने जो है बाजरे की रोटी बनाई थी, तो मैंने सुबह का वीडियो आप लोगों पे अपलोड कर दिया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, बाजरे की रोटी मैंने बनाई है और बन रही थी, टूट रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत एक एक रोटी पकाई जाती है, और तवा बिल्कुल मतलब तेज़ आंच में होना चाहिए, और नहीं तो अगर धीरे आंच कर देना तो वो बाजरे की रोटी क्या होती है ना, चिपक जाती है। बहुत से लोग उसमें गेहूं का आटा भी मिला के बनाते हैं, पर मैं गेहूं का आटा बना कर मिला के नहीं बनाती, ऐसे ही बनाई थी। तो आज तो खाने में बहुत मज़ा आ गया था, हम सब लोगों ने खाया बाजरे की रोटी, और आलू बैंगन टमाटर की सब्जी मैंने बनाया था। तो क्योंकि ये तो या तो भरते से अच्छी लगती है, या तो फिर आलू बैंगन टमाटर सब्जी से अच्छी लगती, या फिर चने की भाजी से अच्छी लगती, पर मुझे चने की भाजी से नहीं अच्छी लगती, मुझे आलू बैंगन टमाटर की सब्जी से अच्छी लगती है और भरते से अच्छी लगती है। तो मैंने सुबह बाजरे की रोटी आज बनाई थी, आप लोगों को अपलोड कर दिया है, आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखिएगा जो है कल बनाया, सुबह बनाया था लेकिन अपलोड कल की वीडियो में अपलोड कर दिया था। तो और ये देखिए, अभी दोपहर में मैं अभी सारे काम करके फुर्सत हुई हूँ, ये अफ्रेश। और हाँ, मैं जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं अपने भांजी के यहाँ गई थी, पर क्या है ना, वहाँ का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, उनके यहाँ एक दो लोग आकर के बैठे हुए थे, जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। और जो भांजी है मेरी, वो चाय पानी नाश्ता में पहले उनके ड्यूटी हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, अगर मुझे मालूम होता तो मैं नहीं जाती, लेकिन मुझे क्या पता कि उसके यहाँ कोई गेस्ट आ जाएंगे। तो फिर मैं चली गई थी, लेकिन वीडियो कोई नहीं, वहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बना के लाई। तो फिर आज जब कभी जाएंगे तो फिर ज़रूर वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप लोगों में। तो लेकिन ये क्या होता है ना, जो रोज़ रोज़ भांजी के यहाँ जाया भी अच्छा, जाना अच्छा नहीं लगता है, तो क्योंकि मामी हो या माँ बाप हो कुछ भी, तो लेकिन थोड़ा सा ख़राब लगता है मुझे जो है। तो रोज़ रोज़ मैं नहीं जाती, जब कभी मेरा बहुत काम होता है तभी मैं जाती हूँ, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले के फाटक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, तो रेलवे क्रॉसिंग के उस पार मेरी भांजी रहती है। तो फिर मैं कभी जब मेरा बहुत काम पड़ा तभी चली गई, नहीं मैं रोज़ रोज़ नहीं जाती, अच्छा नहीं लगा करता है। नहीं, अगल बगल के लोग कहते हैं देखो इनकी मामी पहुंची ही रहती है, मुझे बहुत बेकार लगता है, मैं रोज़ नहीं जाती। तो कल मेरा काम था, मुझे ठंडे वाला स्टॉल लेना था, क्योंकि मैं पिछले साल स्टॉल ली थी, तो मैं उसको डेली यूज कर डाली, और कहीं आने जाने के लिए मेरे पास नहीं था शॉल। तो मेरे पास हैं, दो रखे हैं, एक मेरी मम्मी दी थी और एक ये हमारे हस्बैंड ले आए थे जो है, लेकिन बहुत बड़ा है, तो वो अब इतना बड़ा शॉल संभालता नहीं है ओढ़ने के लिए, घर में ओढ़ ले, लेकिन कहीं जाने ना तो आजकल बस लपेट ले कि कान पूरे ढके रहे, गर्दन में गले में हवा ना जाए। तो फिर कल हम इसी वजह से गए थे, और कुछ काम और करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो और मैं जो है ना, आज की वीडियो में मैंने अपलोड नहीं मैं नहीं कर पाई, आप लोगों को नहीं दिखा पाई, तो ठीक है आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्टॉल, और ये कल के ब्लॉग में मैं भेज दूँगी, तो आप लोग देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। वहाँ बहुत दिखा रहे थे, और क्या होता है ना, दुकान में जाए ना तो ये लगता है ये ले ले वो ले ले, तो समझ में नहीं आता क्या ना ले। तो फिर मुझे 2-3 शॉल अच्छे लगे थे तो मैं ले ली हूँ। तो और ये देखिए, ये ब्लैक कलर का है जी, तो आप बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। ये देखिए इस तरह है, ये बॉर्डर है, ये ब्लैक कलर का है, और इसमें रेड ऑरेंज, मैंने कहा ये सब कपड़े पे चल जाएगा, सब साड़ी हो चाहे सूट हो, सब पे चल जाएगा, ब्लैक है जी। देखिए इस तरह है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसी तरह पूरे में वर्क है, ये देखिए ये 2-in-1 है, इधर भी ओढ़ सकते हैं और इधर भी ओढ़ सकते हैं, तो इधर की ओर इस तरह है कलर, यही कलर तो जा रहा, ये देखिए ऐसे ही है। तो कैसा लगा ये, मतलब दोनों तरफ ओढ़ सकते हैं, इधर काले की तरफ भी ओढ़ सकते हैं और इधर से भी ओढ़ सकते हैं। तो पता है ये मेरी मम्मी मुझे, अभी मैं बेच में गई थी तो मम्मी मेरी हमको पैसा दी थी,
तो हमने कहा चलो ठीक है, मम्मी कहें बिटिया इधर उधर ना खर्चा करो, कुछ अपने लिए सामान ले लेना। तो मैंने कहा चलो मैं स्टॉल ले लेती हूँ, तो फिर मैंने ये ले लिया। और अभी ये मैं सोच रही हूँ अपने मम्मी को दिखाऊंगी, अगर क्योंकि आज मैं पूछ रही थी मम्मी आपको शॉल चाहिए, तो कहे नहीं बिटिया मेरे पास है। तो मैंने कहा मैं ले आई हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँ, और ये ब्लैक कलर का है तो आपको हो जाएगा। कहे नहीं बिटिया हमारे पास है, हमें ना चाहिए। तो देखते हैं, आएंगी दिखाएंगे, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो दे दूँगी, नहीं तो फिर तो मैं ही ओढ़ूँगी। ये देखिए, और ये हल्का है, अच्छा है। तो ये मुझे पड़ा है 490 का। एक ये है, और एक मुझे और पसंद आ गया, तो मैंने कहा चलो ये सूट वूट है तो पहन लेते, क्योंकि ठंडे में एक दो शॉल रहना चाहिए ना। तो और ये देखिए, एक ये ऊनी है, ये थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है जो है। ये देखिए ये कैसा, आपको ये वाला कैसा लग रहा है? ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास है इस तरह का, लेकिन प्लेन है, इसमें कढ़ाई है, वर्क है पूरे में। ये देखिए, ये इस तरह का ये है, ये देखिए। तो ये जो है ऊनी है, ये ऊनी है। तो ये क्या होता है ना, बहुत ठंडी में ओढ़ने में काम दे, ये पूरा मतलब चिपका रहता है। मैं आपको ओढ़ के दिखाती हूँ, देखिए इस तरह का है कैसा लग रहा है? तो ये इस तरह का है, तो ये मुझे अच्छा लगा, इसका वर्क वगैरह मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और एक ये ऊनी है, तो इसको किसी तरह भी ऐसे कोई चिपका के डाल ले तो भी अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने इसको ले लिया है, और ये मुझे पड़ा है 650 का। तो उसने थोड़ा सा डिस्काउंट में था, तो कुछ ये मतलब ये और ये दोनों 1000 में मुझे दे दिया, तो मैंने दो ले लिया। मैंने कहा चलो फुर्सत है, 1-1.5 साल तक के लिए मुझे शॉल नहीं लेना, और फिर ये सब रोज़ नहीं ओढ़े जाते हैं, कहीं जब जाए आए तभी फिर ओढ़ ले। कैसा लगा आपको मेरा ये स्टॉल जो है? तो फिर मैंने ले लिया है, मैंने कहा चलो ठीक है। अभी शादी भी पड़ रही है, मेरे मौसी की लड़की की शादी है, तो हो सकता है शायद जाना पड़े। अभी तो ये कह रहे हैं कि उसी लगन पे मेरे मेरे भी किसी साथी की लड़की की शादी है, तो देखिए क्या करते हैं यार, जाते हैं कि नहीं जाते, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अच्छा लगा आपको मेरा शॉल, ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैंने चलो दो मैंने खरीद लिया, मैंने कहा शादी ब्याह कुछ भी है हो गया ले लिया, और पैसा जब इधर उधर हो जाता है ना। ये तो आपको मैंने दिखाया था, ये तो ऐसा ही है, गर्मी उर्मी सब में हो सकते हैं। तो यही कल मैं लेकर के आई हूँ, तो ये कल वीडियो इसका जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं अब फ्रेश भी लेती हूँ, मेरा ठंडा हो गया, और कल मेरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल मैं ना बहुत लापरवाही कर गई। पहले तो मैं सोची सूट पहन के जाऊंगी, मैंने कुर्ती पहन ली, सूट पहन लिया, उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि नहीं यार अच्छा नहीं लगा करता ना, भांजी के ससुराल जाओ, वहाँ सब लोग सब जानते हैं कि ये मामी है, तो मुझे ये लगा कि नहीं मैं सूट पहन के नहीं जाऊँगी, अच्छा नहीं लगता ना। कभी ऐसे उस जगह पे जाओ जहाँ थोड़ा सा मर्यादा को देखना पड़ता है, तो मैंने कहा नहीं मैं सूट नहीं पहन के जाऊँगी। फिर मैंने तुरंत सूट कुर्तियाँ उतारा, मैं साड़ी पहन ली, तो फिर मैं साड़ी पहन के गई, और मैंने गलती किया कि साड़ी तो पहनी, मैंने स्वेटर नहीं पहना, और हवा चल रही थी। फिर वहाँ से फिर मेरा बेटा गया था छोटा वाला मुझे लिवाने, फिर वहाँ से जब मैं रिटर्न होके आई ना, तो मुझे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं, एकदम मतलब ये सब चीज़ पूरा जकड़ा था, मुझे इतना ठंडा लगा, जुकाम हो गई, और मुझको बुखार भी आया था, इतना सर दर्द कर रहा था ठंड की वजह से। फिर मैंने क्रोसिन रखी थी, मैंने क्रोसिन खाई, एक एंटीबायोटिक दवाई खाई, फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं लेटी रह गई आधे 1 घंटे तक, सर दबा के लेटी, बहुत तेज़ सर दर्द कर रहा था। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, फिर उठी हूँ, फिर चाय, छोटा वाला बेटे का, मैंने कहा जा बेटा दूध लेके, आप चाय पी के आई थी भांजी के यहाँ से, लेकिन मैंने कहा लाओ तो मैं थोड़ा सा इसमें लौंग नमक वगैरह सब डाल के बनाती हूँ। तो फिर ले आया, तो फिर मैं चाय बनाई, फिर पी, मैं लेटी ही रह गई। मैंने कहा क्या बनाऊँ, क्योंकि छोटे वाले बेटे का मेरा मन था मेथी और बथुआ की पूड़ी, कहा मम्मी मुझे बना दो, तो मेथी बथुआ रखा था मेरे पास, फिर मैंने उसको काटा, धुल के रख के गई थी। धुल के रख के गई थी मैं, फिर मैंने उसको आटे में फिर घी डाला,
धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, मिर्चा, और जो है थोड़ा सा मोइन के लिए घी डाल के उसको खूब अच्छे से मुलायम किया। फिर मेथी बथुआ जो काटे थे उसमें डाला। फिर मैंने उसकी पूड़ियाँ बनाई और चटनी टमाटर बनाई, क्योंकि चटनी उटनी के साथ अच्छी लगती है। फिर मैं चटनी बनाई, फिर सबको दिए, गरम गरम सब लोग खाए जो है। तो फिर मैं भी खाई, फिर कुछ आराम हो गया, लेकिन सुबह फिर आज कुछ आराम है। तो मुझे क्या होता है ना, ठंडी में मैं अगर कहीं जाती हूँ ना, अगर मुझे हवा लगा ना तो तुरंत मुझे नुकसान, मुझे ठंड से एलर्जी है, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। बल्कि ये कहे तो गई होगी ज़रूर कहीं, मैंने कहा नहीं नहीं गई, इनको नहीं बताया, नहीं कहेंगे क्या करने गई थी इतनी जल्दी जल्दी, अच्छा नहीं है रोज़ डेली भांजी के यहाँ जाना। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं गई, तो फिर छोटू बता देगा मम्मी माँ सन्नू दीदी के यहाँ गई थी, कहे कुछ काम था का मका सॉल लेना था, तो कहे तबीयत आबे करे, हम जानी थी ना कि ठंडी में जहाँ गई हवा लगा तबीयत खराब हुई मका। ये तो आवाज़ ठीक है, अभी आराम करूँगी। तो चलिए मैं फ्रेश पी लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ। देखिए 2:15 बज गया और मुझे गेहूँ बनाना है। देखिए मैं कल भी नहीं समय मिला, आज भी, अब मैं सोच रही हूँ अब आज क्या बनाऊँगी, आज निकाल के रख लूँगी, कल ही बनाऊँगी। अब टाइम, क्योंकि थोड़ा सा आराम करूँगी, और कपड़े वगैरह पड़े थे तो अभी मैंने सब धोया। और मुझे ना पर्दे भी लाने थे, 2-3 पर्दे लाने थे, तो मैंने देखा। पर क्या है ना, मैं अपने रूम में, मेरी ये दीवार जो है सफ़ेद कलर की है ना, तो इसमें मुझे रेड कलर का पर्दा अच्छा लगा, मैंने मैरून कलर के पर्दे लगाए हैं, आप लोगों ने देखा है। तो मैं इस अलमारी के लिए भी मैरून कलर का पर्दा ढूंढ रही थी, मगर मैंने सोचा कि सब एक तरह का सेट का पर्दा हो, क्योंकि फिर इसको अगर दूसरा लेते हैं तो मुझे सारा चेंज करना पड़ेगा, तो एक खर्चा तैयार हो जाएगा। तो मैं ढूंढ रही थी मैरून कलर का, और इसी तरह डिजाइन में ढूंढ रही थी पर नहीं मिला। तो देखिए फिर जब कभी जाऊंगी तो फिर पर्दे लेकर के आऊंगी, तो इस अलमारी को कवर करना है पर्दे से। और सच में अच्छा भी है, पर्दा लगा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अलमारी में जो भी सामान रखे हैं वो सब दिखेंगे नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो अपने रूम में ही आप लोगों से यहीं बैठ करके आप लोगों से बात करती हूँ, बोलती हूँ। और मुझे सच में बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई है, अपना है, आप लोग अपने हैं, तो आप लोगों से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं है। सास को मैंने दिखाया, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो ज़्यादा बात भी नहीं करती हैं, और उनसे क्या बात करूँ जो है, तो थोड़ा सा होता है। मैं किसी के यहाँ यहाँ इधर जाती भी नहीं हूँ, अगल बगल किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ, यहाँ लोग औरतें छत में धूप में भी बैठते हैं, मैं धूप में भी नहीं जाती हूँ। तो जब मैं काम से फुर्सत पाती हूँ तो बस आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर शाम हो गई फिर खाना पीना में जुट जाती हूँ। हम औरतों की लाइफ ऐसे ही है ना। तो चलिए कल तो मैं अपने हस्बैंड से कुछ चिल्ला रही थी, मैंने कहा सारी लेडीजें कुछ ना कुछ कर रही हैं यार, मुझको भी कुछ सीख लेने दो। तो कहती कहाँ सीखी है, मैं कहा सीखो ब्यूटिशियन का कोर्स मुझे भी कर लेने दो, ब्यूटी पार्लर का। कहती कौन नहीं करेगा है, चुप मार के घर में रहो, ये सब अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा चलो भैया, चुप मार के ही रहते हैं, क्या करें, ठीक है, घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं यार, फिर भागम भाग मेरी ही तबीयत खराब होगी, दोनों तरह की जिम्मेदारियाँ फिर मैं देख नहीं पाऊँगी। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, और ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, ये वीडियो कल जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए रखते हैं, आप फ्रेश पी लेते हैं, आपसे बात करते करते मेरा आप फ्रेश थोड़ा ठंडा हो गया, इसको गरम गरम पिए ना तो अच्छा लगा करता है। और पता है कल मैं अपने भांजी के यहाँ गई थी तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी, फिर मैं एक गिलास भी लाई हूँ जिसमें आधा किलो उसमें पानी आ जाता है। तो मैंने कहा मैं पानी नाप के पीऊँ, क्योंकि पानी मैं कम पी जाती हूँ कभी कभी, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितना पानी पी गई। तो मैं एक गिलास भी लाई हूँ, तो क्या दिखाऊँ आपको, नहीं उधर रखा हुआ है, चलिए मैं शाम को दिखाऊँगी आपको। तो मैंने कहा इसमें मैं नाप करके पानी पिया करूँगी जो है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोग भी आराम कर लीजिए, बाय। एक मिनट कटा नहीं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अभी ये देखिए शाम हो गई है और मैंने ये दूध मंगाया है, तो अभी ये देखिए दूध पक रहा है, और इधर ये मेरी सब्जी पक रही है, इधर आज इवनिंग की चाय बन रही है, क्योंकि अभी दूध लेके आया है और मेरी चाय के साथ मैं की ना तो सब पकड़ूंगा। तो
ये मैंने मनपसंद नमकीन मंगाई है। ये पुरानी नमकीन है ना, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है नमकीन। और ये देखो ट्रस्ट ब्रिटानिया पार्ले का लिया है, तो मैं चाय के साथ दो दो इसको खाती हूँ सुबह। तो मेरा ख़त्म हो गया था, और सच में ठंडी बहुत ज़्यादा है, गलन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने साल को इस तरह लपेट लिया है। और ठंडी में देखिए मेरे हमेशा फेस फूले फूले बबरियाया बबरियाया रहता है, क्योंकि ठंडी से मुझे एलर्जी है। तो यहाँ देखिए आज मैं आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, आप लोगों से शेयर नहीं किया है। और इधर मेरी अभी दूध आया है, तो मैंने चाय चढ़ा दिया है। और आज मैं चाय का मसाला बना रही हूँ, तो चलिए बना लेती हूँ। आपने मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई है, और इधर ये मेरी चाय बन रही है, बस मुझे उसमें हरी धनिया डालना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो यहाँ पर ये सुबह सुबह देखिए आज मैं बैंगन का भरता बना रही थी, और यहाँ पे ये देखिए आलू उबाल रही थी, तो आज मैं यही बनाऊँगी और सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो दो बैंगन रखे थे, तो मैंने सोचा चलो आज भरता बना लेते हैं और रोटी बाजरे की बना लेते हैं। तो बस आज ये देखिए ये मेरा बैंगन भूंज रहा है, तो आप लोग भी देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अभी आपने देखा जो है मैं बैंगन भूंज रही हूँ और आलू उबलने के लिए रखी हूँ, और आज मैं भरता बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्ज़ी खाने से ना जी उब जाता है। कल आलू बैंगन मटर की सब्ज़ी बनाई थी और बाजरे की रोटी बनाई थी, तो आज मैं सुबह सुबह अपने हस्बैंड के लिए दाल बनाई, और दलिया नहीं बनाई क्योंकि दलिया ख़त्म हो गई थी, तो मैं ब्राउन राइस बनाई थी और करेला उनके लिए भुंजिया करेला बनाई थी, तो उनको दे दिया, तो वो ले करके गए। और उनको बाजरे का आटा दे दिया, क्योंकि बाजरे की जो रोटी होती है ना गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है तो मतलब बेस्वाद हो जाती है। तो मैंने कहा मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, आपको आटा दे रही हूँ, वहाँ है मतलब स्कूल में, तो वो दाई लोग बना देती हैं, तो मैंने कहा गरम गरम चूल्हे में बनवा लीजिएगा, चूल्हे की रोटी तो और अच्छी होती है। तो फिर वो अपना चले गए, तो फिर मैंने सोचा चलो बैगन रखे थे, क्योंकि कल बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो दो बैगन उसमें बचे थे, तो मैं कहा चलो आज भरता बना लेते हैं, और भरता अच्छा भी लगता है। तो बस अभी मैं चाय पी हूँ और बिस्किट के साथ, और कल मैंने चाय का मसाला तैयार किया है, लौंग और दालचीनी और दो ठो डोड़ा और थोड़ी सी आधी चम्मच सौंफ, सबको कूट पीस के रख लिया है। तो कल मैं चाय में डाली थी ना, मेरा छोटा वाला बेटा जब पीने लगा तो उसको दालचीनी की महक नहीं अच्छी लगती, कहता क्या डाल दी हो चाय में, नहीं पीऊँगा मैं, जो है गुस्सा नहीं। फिर मैं उसके लिए दूसरी चाय बनाई, मैंने कहा जो चीज़ फ़ायदा करता है वो चीज़ तू खाते पीता नहीं है, तो लेकिन वो चाय बहुत फ़ायदेमंद है ठंडी के लिए। और हाँ, मैंने काली मिर्च उसमें भूल गई, अभी मैं उसको मैं काली मिर्च भी दो तीन ठोट कूच के मुझे डालना है, मैं अपने लिए बनाया करूँगी, उसके लिए अलग से बना दूँगी। तो बस अभी मैं चाय पी हूँ, चल रही हूँ एक्सरसाइज योगा करने। अभी मेरे सास ससुर धूप में बैठे हैं, वो जब खूब तेज़ धूप हो जाती तभी नहाते धोते, इसीलिए सारा समय, क्योंकि टाइम से खाना बन जाए खा लेना तो मैं भी फुर्सत हो जाऊँ अपने सारे घर के काम करके, फिर मुझे भी बैठे रहना पड़ता है। और आज मुझे गेहूँ बनाना है, दो तीन दिन से सोच रही हूँ बना लूँ, कल भी तबीयत ठीक नहीं थी, परसों भी ठीक नहीं थी, भांजी के यहाँ से आई हूँ तभी मुझे जुकाम ठंडी लग गई, तो अब भी है जुकाम थोड़ा बहुत, तो लेकिन यह है कि आटा बस शाम तक का है, मुझे बनाना है, चक्की में देना है, तो दे दूँ तो फिर पिस जाए, नहीं अगर कोई गेस्ट आ जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। तो चलिए मैं एक्सरसाइज योगा कर लेती हूँ, और मैंने जो स्टॉल लाया है तो आज मैं वीडियो एडिट कर देती हूँ, आप लोग ज़रूर देखेगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और दो ले आई है, मैंने कहा एक आने जाने के लिए हो जाएगा, और एक ब्लैक कलर का है, तो मैंने कहा वो सब पे चल जाएगा। ठीक है, रखते हैं, बाय बाय।